भैया भैया एक डिस्ट्रॉयड हस्बैंड देना। डिस्ट्रॉयड हस्बैंड, ये क्या होवत है भाई? नाशपति। पोछा मार। सासू माँ देखी ना, कब से मैं बोल रही हूँ पोछा मार लेती हूँ, सुनते ही नहीं है। कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए तो कभी काम नहीं किया। देखो जी, काम के टाइम पे किसविस मत किया करो। अच्छा ठीक है बेबी, नहीं करूँगा। अरे वाह मैडम, आपकी तो एक बार में सुन ली है, मैं तो समझा समझा के थक गई। भैया एक टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। एक बाल टूट गया तो नया क्यों ले रहे हो? अब का बताएं भैया, जो टूटा वो आखिरी बाल था। अरे जल्दी से नाश्ता लिया। 15-20 मिनट लगेंगे, अभी ला रही हूँ। तेरे 15-20 मिनट के चक्कर में ना रोज मेरे को ऑफिस में डांट पड़ती है। क्या मेरे चक्कर में डांट पड़ती है? कल से खुद ही बना लेना नाश्ता। ठीक है मैं खुद ही बना लूंगा, और मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तू भी मेरे से बात मत करियो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। 9:30 15 मिनट बाद। वाह, गैस खत्म हो गई है, खाना नहीं बना है, मैंने बाहर से पिज्जा मंगवा के खा लिया है, तुम अपना देख लो। Oh no! I owe you. बेटा कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी, तो कल की क्लास मिस मत करना। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी। चलो अब घर पे आ गए हैं, अपना मास्क उतार दो। तुम कौन हो? मेरी बीवी कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम मार्केट से मेरा हाथ पकड़ कर लिया है। आज बहू का पहला दिन है ससुराल में, देखो ना कितनी उदास खड़ी है, शायद घर वालों को याद कर रही होगी। चलो जाके उसका थोड़ा मूड ठीक करते। बेटा। जी आंटी। आंटी नहीं, मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ, और तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। और मैं तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा पापा हूँ। मम्मी भैया आ गए। अब ये देख। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा वैसे करते क्या हो? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। ओह, किस चीज का? सेलिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड मैनुअल गारमेंट होल्डिंग डिवाइसेस। वाओ, इसका मतलब? जी नाड़े बेचता हूँ। अंकल दाल कितने रुपए किलो है? ओह नो। अंकल बोलेगा तो 10 रुपए महंगी दूंगा। तो भैया दाल कितने रुपए किलो है? तो फिर 10 रुपए सस्ती ले जा भाई। भैया अगर पापा बोलू तो? बेटा फिर फ्री में ले जा। आज हम पत्नी से बोले कि अपनी शादी को 5 साल पूरे हो गए, बोली हाँ, तो मैं बोला ये बताओ दोबारा चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी।